नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हमारा वही चैप्टर है, चैप्टर टू हिंदी व्याकरण का, ओके, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वर्ण विचार। ओके, वर्ण विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या है, वर्णों के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके अलावा हमने अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, इन सब के बारे में पढ़ा था, और द्वविध्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में भी हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था। ओके, ये चैप्टर हमने आधा हो चुका था हमारा आधा चैप्टर, अब हमारा आधा चैप्टर बचा है जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ण विचार के अंतर्गत शुद्ध वर्तनी। ओके, वर्णों का हमें ज्ञान हो गया, भाषा ध्वनि वर्णों का हमें ज्ञान हो गया। अब अगर हमें ये सब चीजों का ज्ञान हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमारी वर्तनी ही शुद्ध नहीं होगी तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। ओके, तो शुद्ध वर्तनी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेटा देखो, वर्तनी मतलब शुद्ध वर्तनी मतलब हमें अच्छे से बोलना और लिखना आना चाहिए। ओके, सिर्फ वर्णों के ज्ञान से ही हमारा ज्ञान पूरा नहीं हो जाता, हमें अच्छे से बोलना और लिखना भी आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो कुछ उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं। कुछ शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए यह जानना जरूरी है कि शब्द कैसे बोले जाते हैं, ठीक है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे, ठीक है। या जैसा अगर मैं बोलूंगी, अगर आपको कुछ बोल के कह रही हूं कि आप ये लिखो, अगर मैं गलत बोलूंगी, मेरी वर्तनी ही शुद्ध नहीं होगी, तो आप भी उसे गलत ही लिखेंगे। इसलिए वर्तनी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अब देखो, कुछ शब्द हैं जो हमारे बुक में दिए हुए हैं, इसका हम उच्चारण करेंगे। क्या है ये? क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर बिंदी है। ओके, नेक्स्ट है स्वस्थ, आधा स व आधा स थ, स्वस्थ। फिर नेक्स्ट है पत्ता, पत्ता, आधा त और पूरा ता आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पत्ता, पता नहीं बोलेंगे, पत्ता। ओके, नेक्स्ट है हमारा चाहिए, चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा धर्म, ध म के ऊपर र की मात्रा आ रही है, धम नहीं बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे, धर्म। र का भी उच्चारण इसके अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा गेंद, गेंद क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि इस पे बिंदी है। अगर इस पे अनुनासिक अनुस्वार जो बिंदी है ये नहीं होती तो हम इसे क्या बोलते, गेद, गेद बोलते। बट इसके अंदर ये चिन्ह लगा हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे, गेंद। ओके, नेक्स्ट है हमारा पूछना, ऊ की मात्रा है, पूछना। नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण। नेक्स्ट है कक्षा, ये क्या है, अक्ष है तो कक्षा। फिर कृपा, ओके, रेफ की मात्रा नीचे आ रही है तो कृपा। नेक्स्ट है हमारा गया, स्पष्ट, आधा स आ रहा है तो उच्चारण में भी स्पष्ट, स्पष्ट, आधा स बोल रहे, सपष्ट नहीं बोल रहे हम, सपष्ट नहीं बोल रहे, क्योंकि ये सभी आधा और ये सभी आधा है, स्पष्ट। ओके, फिर ऊपर, नीचे, एक ही मात्रा और एक ही मात्रा, फिर ये नीति। ओके, तो ये सारे जो शब्दों का उच्चारण है, अगर मैं सही कर रही हूं, मैं सही बोलूंगी तो आप भी इसे सही लिखेंगे। कई बार शब्दों के उच्चारण से भी क्या होता है, वाक्य बदल जाता है, अगले को समझ में नहीं आता है, और अगर आप भी उसे गलत लिखेंगे तो एग्जाम में आपका भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारी जो वर्तनी है वो शुद्ध होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेटा, वर्तनी को जानने के लिए हम यह भी जानना चाहिए कि कुछ शब्दों की रचना कैसे की जाती है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय लगते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग भी लगते हैं। ओके, प्रत्यय जो कि शब्द के
पीछे लगते हैं ओके और उपसर्ग जो कि शब्द के आगे लगते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे द या ओके और हमने यहाँ पर लू प्रत्यय लगा लिया तो ये क्या बन गया दयालु ओके। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा परेशान, हमने यहाँ पर ई की मात्रा लगा दी नी लगा दिया परेशानी ई प्रत्यय लगा दिया ठीक है तो ये क्या बन गया परेशानी। प्रत्यय पीछे लगते हैं उपसर्ग आगे लगते हैं। इसी तरीके से आगे लगने वाले शब्द में देखो जैसे कि अगर हमने लिखा है पर पर और हमने इसके आगे ऊ लगा दिया है ठीक है ये उपसर्ग लगा दिया है ऊ तो ये क्या बन गया ऊपर ठीक है। फिर आगे हमारा आता है संयुक्ताक्षर, जहां एक ही वर्ण का संयुक्ताक्षर बनता है उसे भी हम सही वाक्य उसका भी हमें सही शब्द का पता होना चाहिए। इसमें हमेशा आधा लगता है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है पत्ता ता तो ये जो ता है इसका भी इसमें संयुक्ताक्षर में आधा ही लगेगा पत्ता है ना। इसी तरीके से कच्चा क आधा च पूरा चा कच्चा कच्चा ओके ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से कुछ शब्द आपके बुक में दिए हुए हैं जो गलत भी हैं और सही भी हैं हम उसकी पहचान करेंगे। अब देखो जैसे कि ये तो है सही शब्द आशीर्वाद, र का उच्चारण व के साथ आ रहा है आशीर्वाद ठीक है तो हमने यहाँ पर र की मात्रा लगाई। लेकिन अगर हम ये लिखेंगे आर्शीवाद आर्शीवाद र को हम अगर स के साथ लिखेंगे र की मात्रा यहाँ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्या होता है आशीर्वाद होता है आशीर्वाद होता है न कि आर्शीवाद ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति, प्रकृति जो र की मात्रा है वो नीचे लगेगी र पदेन र और इसमें जो र की मात्रा लगी है ये गलत है ये प्रकृति गलत है ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्त, दोस्त आधा सा आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ दोस्त न कि मैं ये बोल रही हूँ कि दोस्त है ना। अगर हम कहेंगे कि ये मेरा दोस्त है तो ये वाक्य सही है बट अगर मैं कहूंगी कि ये मेरा दोस्त है तो आपको भी समझ में नहीं आएगा ये गलत हो जाएगा तो आधा स आएगा ये रॉन्ग है दोस्त ओके। नेक्स्ट है हमारा कोई, ठीक है ये तो सही है लेकिन अगर हम बोलेंगे कोई ही यह के ऊपर एक की मात्रा तो ये गलत हो जाएगा। कोई अगर मैं कहूंगी कोई आया है ना या कोई खड़ा है और अगर मैं कहूँगी कोई ही खड़ा है कोई ही आया तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कवियत्री, ये सही है बजाय इसके कवित्री, कवि का कवियत्री होता है न कि कवित्री ओके। तो बेटा हमारी जो वर्तनी है उसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी वर्तनी शुद्ध नहीं होगी तो हम किसी भी वाक्य को या किसी भी सेंटेंस को न हम किसी को सही से समझा पाएंगे न हम समझ पाएंगे और अगर हमारी वर्तनी शुद्ध नहीं होगी तो हम उसे अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे और वो सारा की सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा वर्ण विचार के अंतर्गत जो हमारा सेकंड टॉपिक था शुद्ध वर्तनी, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप इसे अच्छे से रीड करिएगा आप इसे और अच्छे से समझ जाएंगे ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।